महाभारत का युद्ध इस बात का गवाह है कि जब जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होगा तो जीत हमेशा धर्म की ही होगी। सृष्टि का नियम है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होगी। इसीलिए धर्म के पक्ष में खड़े पांडवों का जीत हुआ और अधर्म के पक्ष में खड़े कौरवों का विनाश। लेकिन क्या होता अगर पांडवों को युद्ध के पहले ही मालूम चल जाता कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भाई है, तो क्या महाभारत का युद्ध रुक जाता? जी नहीं। जिस प्रकार पांडवों के साथ श्री कृष्ण धर्म एवं अच्छाई का मार्ग चुने थे, उसी प्रकार कौरवों के साथ शकुनी था, जो कि बुराई और अधर्म का मार्ग चुना था। श्री कृष्ण और शकुनी ये दो महाभारत के अहम किरदार थे। अगर युद्ध के पहले पांडवों को मालूम भी चल जाता कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भाई है, तो भी महाभारत का युद्ध नहीं रुकता, क्योंकि कर्ण की हर एक नस से वाकिफ था शकुनी। वो जरूर किसी न किसी चाल या छल से कर्ण को अपने पक्ष में कर लेता। कालचक्र का पहिया ऐसा खेल खेलता है जिसके आगे सभी को नतमस्तक होना ही पड़ता है। कर्ण एक महान दानवीर के साथ सर्वप्रिय दुर्योधन का मित्र भी था, जिसका उदाहरण आज भी लिया जाता है कि मित्र हो तो कर्ण जैसा। अगर किसी प्रकार से कर्ण पांडवों के पक्ष में शामिल भी हो जाता तो वो आज किसी और नाम से जाना जाता। कर्ण हो या कोई योद्धा या फिर कोई भी मनुष्य, का जन्म और मृत्यु का समय पहले से ही निर्धारित होता है। किसी भी युग में मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करने की योग्यता होती है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त होगा, और समय से पहले कोई कितना भी मरने का प्रयास कर ले तो भी उसे मृत्यु नहीं आएगी। और जब उसका मृत्यु का समय आएगा तब वो चाहे किसी भी हालत में हो, उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार अगर कर्ण पांडवों के पक्ष में आ भी जाता तो भी उसे उसी दिन मरना होता जैसे कि वास्तव में कर्ण जिस दिन मरा था, क्योंकि किसी भी मनुष्य के कर्म को बदला जा सकता है लेकिन कालचक्र को नहीं। स्वयं नारायण भी इस कालचक्र को नहीं बदल सकते और इसीलिए इस सृष्टि का बार बार विनाश और निर्माण करते हैं। तो फिर महाभारत में ऐसा कौन सा किरदार है जिसको हटाने से महाभारत का युद्ध को रोका जा सकता था? इस प्रश्न का जवाब अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।